देखें, इस तरह के स्ट्रिप्स में मैंने इसको काटे, पतले पतले से स्ट्रिप्स हैं ये, आप देखें जरा इस तरह से मैंने इसे काटा। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने इसमें हाफ टी स्पून तकरीबन सॉल्ट ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड किया है 1 टेबलस्पून के लिए। हाफ इसमें अंडा जाएगा और अब हम इसको मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं फ्राइंग से जस्ट पहले इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं, कुछ लोग मिक्स दोनों चीज़ें ऐड करते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। काइंडली इग्नोर कीजिएगा, मेरे डॉग को बहुत भूख लगी हुई है, मैं अभी उसे थोड़ी देर में खाना देने जाऊंगी। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें 1-2 टेबलस्पून के करीब पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब देखिए जरा, मैं इसमें मतलब ये इतना मुनासिब सा गर्म है ऑयल, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, तो मैं इसको निकालने लगी हूँ। मैंने एक गलती की थी कि मैंने इसको अभी ये सेट नहीं हुए थे, तो मैंने इसको हिला दिया, इससे इसकी ना कोटिंग डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी में थी। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, इसकी कोटिंग सेट होने दीजिएगा 1-2 मिनट, उसके बाद इसको आप हिलाएँगे तो इस बेहतरीन फ्राई होंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं पेपर डाल के। इसके बाद मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी करती हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ग्रेवी बना के रख लें और चिकन फ्राई करके रख लें, वेजिटेबल जो है वो अलग से सौते करके रख लें, और जब आपने सर्व करना हो उससे थोड़ी देर पहले आप ग्रेवी को गर्म कर लें और उसमें चिकन और वेजिटेबल और सारे स्पाइसेस ऐड करके आप सर्व कर सकती हैं। अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। कि मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के रख लिया है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें वर्स्टरशायर सॉस डाल के रख रही हूँ। ये मैं एक मिक्सचर सा पहले ही बना के रख रही हूँ और ताकि फिर मैं इसको ग्रेवी में ऐड कर सकूँगी। ये देखिए 2 टेबलस्पून उसमें मैंने चिली सॉस, आप चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ही मुझे इसमें हनी चाहिए, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हनी ऐड कर दिया। अब इस मिक्सचर को मैं रेडी करके रखती हूँ। थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया, मैं इसमें ये थोड़ी सी वेजिटेबल सौते कर लूँगी। आप अपनी मर्जी से इसमें मशरूम भी ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा खाते करके अलग से प्लेट में निकाल के रखूंगी। वैसे भी प्लेट में निकाल के रखी हूँ अलग से, फिर बाद में इसको ग्रेवी में ऐड करूँगी ताकि ये सौगी ना हो जाए।
उसी वाली कढ़ाई में मैं ये थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। ये 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक, ये मैं इसको सौते कर रही हूँ। इसमें मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज है, इनको मैंने लंबाई में काट लिया है, डिसीड कर लिया है क्योंकि ये स्पाइसी वाला चिकन है, तो इसलिए इसमें हर किस्म की मिर्चें डाली जा रही हूँ। आप चाहें तो गर्दनों से या हड्डियों से या खुद अपनी घर की जो बनी हुई है जैसे वो ऐड कर सकती हैं। जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी उसको उसमें मिकदार बढ़ा सकती हैं, कम कर सकती हैं जख्मी की, क्योंकि मेरे घर वाले फैमिली वाले ज़रा सॉसी सब पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जख्मी को ज़्यादा ऐड किया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ताज़ा फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। थोड़ा समय अभी सॉल्ट डाल रही हूँ, बाद में मैं इसे चेक करूँगी, अगर मुझे मज़ीद चाहिए होगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। अब जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा था मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी डाल। मैंने थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर तकरीबन ये 2-3 टेबल स्पून है, 3-4 टेबल स्पून पानी में मैंने इसे डाल के रखा है। बस इसमें भी यही है कि आपने इसको जितना थिक करना है उतना आप कॉर्न फ्लोर इसमें ऐड कर सकती हैं अपनी मर्जी से। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ, 1-2 मिनट के लिए, फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये एंड पे मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन का ये ग्रीन वाला जो हिस्सा होता है वो डाल दिया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फ्लेम इसका मैं बंद कर रही हूँ। ये देखिए आपकी मज़े की ग्रेवी रेडी हो गई है। इसे आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे चाहे सर्व करें, इंजॉय करें। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आने वाली हर रेसिपी आपको वक्त पे मिलती रहेगी।